डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर ऑनलाइन की जाएगी देश की कृषि उपज मंडियां। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 70% से भी अधिक ग्रामीण आबादी के भारत का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की चालू प्रक्रिया को देखते हुए कृषि विपणन क्षेत्र में केंद्र सरकार ने नई पहल कर देश की तकरीबन 585 थोक मंडियों को मिलाकर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में तो मदद मिलेगी ही, अपनी पसंद के नए वैश्विक बाजार में किसानों की पहुंच भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों की मंडियों को एक कॉमन ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए काम शुरू कर दिया है। देश भर में राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार पर आम सहमति बनाने के मकसद से कर्नाटक में सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कॉमन प्लेटफॉर्म होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो ये राज्य का विषय है, लेकिन राज्य भी बोल रहा है कि जब तक पूरे देश में एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने सभी राज्यों का आह्वान किया कि वे कृषि विपणन में सुधार लाएं, क्योंकि कृषि विपणन गतिविधियों में सुधार किए बिना हम किसानों के उत्पादों का सही मूल्य नहीं दे पाएंगे, और ये तभी संभव है जब हम विपणन क्रांति के जरिए दूसरी हरित क्रांति को आगे लाएं। राज्यों के अंदर ही काम हो जाए तो अपने बजट में भी 200 करोड़ का हमने इसका प्रावधान किया और 585 मंडियों को भी चिन्हित किया है, और उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे सॉफ्टवेयर भी निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर की 585 थोक मंडियों को एकीकृत कर ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। ऑनलाइन कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कर्नाटक सरकार की प्रशंसा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इसी तरह का काम करना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़।